ना को मारा किले डूब के इसका कोई समझ दे रहा था तो खट्टर कुछ करेगा मारे लिए कुछ करेगा खट्टर नहीं करेगा बोलो पांच हजार की पिंडा रोज उतरे थी दो किले पिंडा हो गए तो ना दिखाऊ क्यों जा नहीं सकता वहाँ ऊपर बराबर गई पांच हजार की रोज कार्ड भी कटवा दिया इसका इधर लाज भी मिलता भाई ये है गांव के हालात भाई गांव के स्थानीय लोग बहुत दुखी है स्थानीय लोग है ना जो बहुत दुखी है वो बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहे गांव के लोग सारे पास जिंदा जी तरह से बाहर आ गए बिल्कुल गांव के से भी लोग बाहर आ चुके हैं ये चीज तो दिखाई थी भाई जी देखो ये है चंबा गांव ये चंबा गांव के हालात भाई देखो गांव के सभी नागरिक आ गए भाई अपने घरों से बाहर इस मंजर को देखने के लिए इस नज़ारे को देखने के लिए जो कि गांव में पूरी तरह से गांव में पानी भर चुका है जी सब ठीक है सब ठीक है इतना पानी भर रहा है भाई इतना पानी आ रहा है सब ठीक से भाई देखो कितनी स्पीड से पानी आन ला रहा है भाई कितनी रफ्तार से पानी आन ला रहा है और इस गांव में भाई पानी भर चुका है और भाई गांव वालों ने ना इस पानी को रोकने के लिए यहां पे वो लगाया था बंधा और वो बंधा पूरी तरह से टूट चुका है भाई सभी जो गांव के नागरिक है जो अपने घरों में थे सभी बाहर आ चुके हैं और बाहर आके इस मंजर को देख रहे हैं भाई बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हो चुके हैं गाँव के भाई अभी मैं आया हूँ जाऊंगा गांव के मंदिर में देखो भाई एक बार ये है मंदिर का नजारा भाई मंदिर पूरी तरह से डूब चुका है राम राम पंडित जी पंडित जी ये इतना पानी किस टाइम आया है ये भी जस्ट आया एकदम से एक दीवार टूटी है मैं अपने बाल बच्चों के साथ अंदर था अच्छा जब भी मंदिर की दीवार टूटी कि मैं भाग लिया बच्चों के साथ बाल बच्चे सही सलामत आपने बाहर भेज दिया ना थी। तो कौन सी दीवार थी वे वो दीवार टूटी देखो भाई वहाँ पे एक दीवार थी मंदिर की वो दीवार टूट गई जिसके कारण इस मंदिर में पानी भर गया और कम से कम भी भाई देखा जाए तो दो दो फुट पानी भर गया है भाई देखो एक बार महाराज जी से बातचीत करते हैं महाराज जी आप कब से हो यहाँ पे इस मंदिर में चार महीने हो गए तो आपने तो खैर पहले ये नजारा यहाँ पे नहीं देखा होगा भाई आप लोगों ने देखा है ऐसा ऐसा मंजर भाई अपनी जिंदगी में आप इसी गांव के रहने वाले आप इसी गांव के स्थायी निवासी हो तो आपने कभी ऐसा देखा हो नजारा तो भाई कभी भी नहीं देखा था ये पहली बार हुआ है तो भाई ये नजारा देख के क्या लग रहा है आपको बस कुछ नहीं जी हम दिल्ली कट लेंगे जो करपंडा जी लेंगे अच्छा जान प्यारी है नहीं भाई जान देखो सबने प्यारी चाहे कोई जीव हो जंतु हो डांगर हो पशु हो जान सबने प्यारी है तो पंडित जी आप कहाँ जाओगे अभी देखते हैं जहाँ परमात्मा ले जाएगा यही गांव वासियों के किसी के कम घर में रह लूंगा नहीं तो फिर अपने गांव जा लूंगा कितने बच्चे आपके पास एक में बच्ची है अच्छा एक बच्ची है अच्छा वो ठीक ठाक सुरक्षित जगह पे है ना पूरे सदस्य बोलते नुको एक दीदी है बता तो दे एक ही तो रहेगी और चार पांच तो आधा दर तो देखो भाई ये है गांव के हालात भाई वो टेम्पू भी डूबने वाला है अभी और आप देख सकते हो यहाँ पे ये है ना कमरे थे भाई ये जिसमें पंडित जी रहते थे ये कमरे थे भाई और देखो भाई ये कमरे भी डूब चुके हैं और यहाँ पे पंडित जी का अभी हम पंडित जी का कमरा दिखाते हैं मंदिर गिर गया मंदिर में पानी पूरा हो गया देखो भाइयो ये है पंडित जी का घर ये रूम है पंडित जी का देखो भाई ये पूरी तरह से भर गया बिल्कुल नुकसान पूरा भारी हो गया नुकसान बहुत ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा पूरे मंदिर में पानी भर गया मैं सारे कमरे में जो सामान रखा था सारा खराब हो गया भाई देखो भाई पंडित जी का ये सामान था ये सारा पूरा सामान पंडित जी का अभी देख सकते हो आप कितना गोटे गोटे पानी आ चुका है बहुत ज्यादा बहुत बुरे हालात हो गए भरने लग रहा अभी हाँ भरने लग रहा पूरा और भरेगा देखो भाई रेडियो का सामान है पंडित जी जो भी आपका मेन सामान है कीमती सामान है उसको निकालो भाई एक बार आप भी हेल्प करो पंडित जी की देखो भाई मुसीबत की घड़ी में सभी ने एक दूसरे का साथ देना चाहिए भाई देखो भाई कैसे चल रहे हैं भाई ये स्थानीय लोग आप कहाँ जा रहे हो आप भी इसी गांव के हो ये हालात पहले कभी देखे थे आपने पहली बार देख रहे हो
आपकी भी जमीन थी? ना। अच्छा, ये मंदिर पूरी तरह से भी डूबने वाला है, कुछ तो डूब चुका है भाई, कम से कम भी 2-3 फुट गहरा पानी आ चुका है। देखिए भाई, अभी भाइयों ने ना यहाँ पे जो मेन गेट थे ना, मेन गेट खोल दिया, अभी पानी बहुत तेजी से निकल रहा है। आप देखो, ये है जमुना जी का पानी, जमुना जी का पानी है निकल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस गांव के क्या हालात है भी आप सभी ने देख लिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और गांव वालों की मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपसे हो उतनी मदद कीजिए गांव वालों। धन्यवाद।